मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल SCAA क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। SCAA के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। SCAA बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आज जमी फैलाई जा रही है, ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे, ये दिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान, और नागरिकता हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद करोड़ों की संख्या में हिंदू वहां रह गए, सिख वहां रह गए, ईसाई रह गए, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, उन पर अमानवीय अत्याचार। मित्रों, मैंने उनके दर्द को सुना, हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने उनके दर्द को सुना। महात्मा गांधी की जयंती के दिन 1000 माताओं, बहनों, बहुओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनको उठवा लिया जाता है, उनको जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जाता है, धर्म परिवर्तन करा जाता है। हजारों हजारों की संख्या में मंदिर, गुरुद्वारा तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आज बहुत सारे दलित भाई आए हैं, अफगानिस्तान के अंदर आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था, तोप के गोले दाग कर भगवान बुद्ध के पुतले को, शांति के दूत बुद्ध के पुतले को जीर्ण जीर्ण करने का पाप भी वहां पर हुआ। और मित्रों, वो लोग वहां से भारत में, और ये सिलसिला आजादी के वक्त से चल रहा है।